हमारे ऊपर उंगली उठने पर जिस इंसान ने आवाज उठाई, कहीं उसी ने किसी और औरत पर उंगली तो नहीं उठाई, उसका हाथ तो नहीं छुड़ा। ये जो महान बनने का मुखौटा लगाए आप घूमते फिरते, कैसे कर लेते हैं ये? जरा तरकीब हमें भी तो बताइए। अरे तमाशा तो रसिया बाई करेगी ना जमींदार बाबू। खूब भालो, खूब भालो। बुरा लगा ना आपको कि हमें किसी ने कीचड़ कहा, तो वही दूसरे और किसी अपने के माथे पे आपने दाग लगाया। इस हवेली पर दाग हो तुम वंदिता, दाग। हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है जमींदार बाबू। अरे हमें तो आदत है इन जमींदारों के अपमान की, इन कितानों की। बहुत सारे मर्द देखे हैं रस्सिया बाई ने। क्षमा कीजिएगा पर दोगले इंसान हमें समझ में नहीं आते हैं। क्या कहा आपने अभी? वादा किया ना कि हमारे साथ खड़े रहेंगे। अरे जाइए, हमारे साथ खड़े रहेंगे। पहले याद कीजिए कि ऐसा ही वादा आपने किसी और से तो नहीं किया था। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे। छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। और फिर मझधार में उसे छोड़ तो नहीं दिया था पर इस तरह बाबू। बंदिता, पति बाबू कहते हैं माँ, अंत में सच की ही जीत होती है, तो अंत में हमारी ही जीत होगी ना माँ। बंदिता, तेरे पति बाबू और उनकी बातें दूर के ढोल सुहाने जैसे ही है। ऐसा क्यों कहते हो मामी? अरे क्या गलत कहा मैंने? तू ही बता, गांव वालों का गुस्सा कम हुआ क्या? आज जलाने की कोशिश की है, कल अगर पानी में डुबो दे तो? एक छोड़ी हुई औरत की माँ का प्राण कब तक बचा पाएंगे? टैग बंदिता, पत्र गए जमाना हो गया है। कोई जवाब आया क्या तेरे पति बाबू से? नहीं ना। अब जब तेरे रक्षक बाबू ही तेरे साथ नहीं है तो तेरी रक्षा कौन करेगा? वैसे बंदिता, मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुझे बचा। मैं जानती हूँ, कौन हमें बचाएगा? कौन लड़ेगा हमारे लिए? आप बंदिता को जानती हैं? आप मिली है उससे? बंदिता ही मुझे फिर इस तरह बुलाती है। निकालो इस औरत को, कार का तमाशा किए जा रही है और हम सब सोने जा रहे हैं। रुकिए अंकल, इस बार आप बीच में मत आइएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मिली थी बंदिता से? हाँ, हम मिले थे बंदिता से। कहाँ? कुछ दिन पहले मुझे के बाद हम उसके गांव से गुजर रहे थे। कोई हमें मैं पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है। हम जब इन सभी गांव वालों ने हमें बाजारू औरत कहकर पानी देने से मना किया, तुमने हमें पानी क्यों दिया? ये पति बाबू ने सिखाया है, जब कल कल बैठी नदी किसी में भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों भेदभाव करें इंसानों में? छोड़ी भी है ये, इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। हमने बहुत ताने दिए उसे, पर बंदिता बस एक ही बात कहती है, मेरे पति बाबू आएंगे, मेरे रक्षक आएंगे। कीचड़ उछाला उस पर, उसके नन्हे से दिल को तोड़ा,
पर उसने उम्मीद नहीं हारी, उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। रब तो लगता है कि वो झूठी उम्मीद में जी रही, उसे तो हर एक बात याद है, और आप तो सब कुछ भुला बैठे, इसीलिए तो नया रिश्ता जोड़ रहे हैं आप। नया संबंध मुबारक हो आपको समीर बाबू। ये पैसे तोहफा समझ लीजिए सगाई के लिए रसिया बाई की तरफ से। दिल से दुआ तो नहीं दे सकते हम आपको, पर बद्दुआ भी तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें भी दुख तो बेचारी वंदिता को ही होगा। आपको देखा है हमने उसकी आंखों में समींदर का, उसके लिए तो आप उसका गुरूर है, उसके शिक्षक है, उसका भगवान है। आपने बदले में क्या दिया उसे? छोड़ दिया ना उसे? साथ देने का वादा करने के बावजूद त्याग दिया उसे? एक छोड़ी हुई औरत का दाग लगा दिया उसके माथे पर? और याद रखिएगा जमींदार बाबा, मेरे जैसे हर औरत की अतीत में एक छोड़ी हुई औरत ही होती है, और छोड़ी हुई औरत का कलंक उसे हीरा मंडी के बाजार का मनोरंजन बना देता है। कौन? अभी बताती हूँ कौन है। गांधी जी, पति बाबू कहते थे कि बहुत महान इंसान है ये। हर प्रश्न के जवाब होते हैं इनके पास, और तो और गरीबों के अधिकार के लिए, उनके साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ते हैं ये। पति बाबू कहते थे सब मानते हैं इनकी बात, तो मैं भी मिलने जाऊंगी गांधी जी से, और कहूंगी इन्हें कि रक्षा करे वो हमारी, समझाए गांव वालों को कि छोड़ी हुई औरत ना कहे मुझे, और ना तो मेरी माँ को चोट पहुँचाए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे बिल्कुल जाना चाहिए गांधी जी से मिलने। ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो इसे मजदूरी करने के लिए भेजना था ना। लेकिन बोंदिता, गांधी जी तक पहुंच पाना इतना आसान है क्या? नहीं ना, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो गांधी जी के बहुत करीब है, वो ले जाएगा तुझे उनके पास। शोती मामी? शोती? और पता है बोंदिता, मैंने सुना है कि गांधी जी अभी कलकत्ता आए हुए हैं, तुझे बिना समय खराब किए उनसे मिलने जाना चाहिए। हाँ मामी, और अभी कैसे जाऊं? माँ तो ठीक नहीं हुई है अभी तक। कब तक होश आएगा दीदी को? एक घंटे में होश आ जाएगा। एक घंटे में मैं तुझे एक नई दुनिया में भेज दूंगी बोंदिता। बोंदिता तू माँ की चिंता बिल्कुल मत कर, वेद जी दवा देके गए हैं ना, तू बस गांधी जी से मिलने की सोच, और मुझे तो लगता है तुझे आज ही, नहीं नहीं नहीं, तुझे अब भी निकल जाना चाहिए गांधी जी से मिलने। अरे गांधी जी बहुत बड़े आदमी है, क्या पता कब कहाँ निकल जाए। हाँ मामी, ठीक कह रही हो तुम, आज ही चली जाती हूँ मैं।
मान बांध अपना। से मिलने जा रही हूँ मैं पति बाबू। हो सकता है उनकी वजह से एक दिन आपसे भी मिल लूं। रुकिए, हम खुद ही चले जाएंगे। बहुत सारे मर्द देखे इस रसिया भाई ने, रात जैसा दुखला इंसान हमने नहीं देखा। प्रथाओं से बचाकर रिश्ता जोड़ा था ना बंदिता से, तो आज क्या किया? उसी प्रथाओं के भंवर में फेंक दिया ना उसे। अरे इससे अच्छा तो यही होता कि उसी दिन उसे मर जाने दिया होता। मरी जाती हूं, कम से कम इससे तो छुटकारा मिल जाता ना कि आज के दिन उन्हीं प्रथाओं और परंपराओं के नाम पर रोज रोज बंदिता थोड़ा थोड़ा मरती रही। समझे आप परिस्त्रा बाबू? मोंदिता आजा बेटे, तेरा बंदिता ये तुम्हें कलकत्ता लेके जाएंगे गांधी जी से मिलवाने। ठीक है ना दादा? भालू, एकदम भालू। बंदिता हमें प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाके दोगी? पानी? अरे हम तो खाली हाथ पैर देख रहे थे कि सब सही सलामत है ना। अगर टूटा फूटा हो ना तो अपने बाजार में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। देख लिया ना, सब बराबर है। जल्द से जल्द उसको यहाँ से लेके चले जाओ, उसकी माँ को होश आने से पहले। कुछ खफा हूँ कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे। तू न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। लाओ। आप बहुत करीब हो गए ना गांधी जी के, तो गांधी जी के बारे में भी सब जानते होगे। हाँ सब हाँ हाँ बंदिता सब जानते हैं ये, तू बस चलने की तैयारी कर। मैं तो तैयार हूँ मामी। तो बताइए ना गांधी जी ने पढ़ाई क्या की है? बंदिता इनको कैसे पता होगा, ये अभी अभी तो जुड़े हैं गांधी जी से, नए है ना, नहीं पता उन्हें। हाँ मैं तो मिली भी नहीं मामी, पर फिर भी जानती हूँ कि बिरिस्त्री की पढ़ाई की है गांधी जी ने।
सोने को तो देखकर पति बाबू पे बने हैं मेरे सुरा बाबू। अनिरुद्ध, इस औरत की बातों पर ज्यादा गौर मत करना। ऐसी औरतें तो कुछ भी कहती रहती हैं। क्या भरोसा करना है ऐसी औरत का जो हर रात एक नए आदमी को नई कहानियां बेचती है। छोड़ दिया ना उसे, साथ देने का वादा करने के बावजूद त्याग दिया उसे, एक छोड़ी हुई औरत का दाग लगा दिया उसके माथे पर। मैंने बहुमता को छोड़ी हुई औरत बना दिया, छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बहुमता को। रुद, ये सब बात करके अभी कोई फायदा है? ये बात तुम्हें वो सौदामिनी के घर रात बिताने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। मैंने बहुमता को छोड़ी हुई औरत बना दिया। कुछ नहीं कर सकते हम। छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बहुमता को। एक बार और रॉय चौधरियों की इज्जत को दांव पे नहीं लगने देंगे हम। यहाँ पर आई थी बहुमता, यहीं पर मैंने उसे छोड़ी हुई औरत बना दिया मैंने बहुमता को। मेरे कारण मोहनता छोड़ी हुई औरत है, मेरी वजह से छोड़ी हुई औरत है मोहनता। अनिरुद्ध बेटा, मैं जानता हूं कि तुम औरतों की बहुत इज्जत करते हो, पर ये सगाई भी तो एक औरत की इज्जत बचाने के लिए है ना। इस सगाई पे ही सुदामिनी का चरित्र और भविष्य टिका हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज तुम कोई ऐसा निर्णय लो जिससे सौदामिनी को बीच मझधार में छोड़ दो। पता नहीं अब अनिरुद्ध बाबू क्या करेंगे, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही काम करते हैं। मैंने कहा था ना, भाग्य ने ही बनाई है अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता की जोड़ी। देखना, पत्नी बनके लौटी की बोंदिता यहाँ फिर से, दुर्गा मां सब ठीक कर देंगे। राम जाने अब ये सगाई करेंगे भी या नहीं। हर बार मुझे अपना बनाने का सपना दिखाकर बीच में छोड़ नहीं सकते तुम अनिरुद्ध। आज ये सगाई हर हाल में होगी, चाहे जो कुछ करना पड़े मुझे। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया आपकी मैं अंधी होने का नाटक कर रही हूँ। जोर से लगी, मुझे दिखाई नहीं दिया मैं अंधी हूं ना। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है, अब तो निकलने की तैयारी कर, नहीं तो गांधी जी कलकत्ते से निकल जाएंगे। हाँ मैं तो तैयार हूँ मामी, वो तो ये मेरे पति बाबू के गांधी जी को जानते हैं, तो सोचा मैं भी जान लूं इनसे गांधी जी के बारे में। कल को सौदामिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुछ ऐसा कर लिया तो उसके जिम्मेदार तुम ही कहलाओगे अनिरुद्ध, सिर्फ तुम। चल अनिरुद्ध। सोना जल्दी से रिंग लेकर आओ।
सगाई की रस्म पूरी कर लें इससे पहले कि अनिरुद्ध मुकर जाए। जाओ बोंदता, जाओ यहाँ से। आप तो कहते थे शिक्षा से समझ आती है, सही गलत की पहचान आती है, पर मैं तो अनपढ़ थी ना, इसीलिए नहीं समझ पाए। ब्रिजवासी साधु के भेष में ढोंगी थे, मेरी गलती कैसे हुई? आप तो कहते थे आगे बढ़ोगी, फिर उस तरह बाबू बनोगी, पर बन गई मैं छोड़ी हुई औरत। हाँ, एक छोड़ी हुई औरत। नहीं, अनिरुद्ध, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। काश आपने मुझे ये तब बोला होता जब मैं बोनिता को बाहर भेज रहा था। काका, तब क्यों नहीं कहा आपने? अनिरुद्ध, तो अपनी जिम्मेदारी संभालो। क्यों नहीं कहा काका? क्यों नहीं कहा मुझसे कि बोनिता की जिम्मेदारी लेना मेरी गलती नहीं थी, उसे इस घर से भेजना मेरी गलती थी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। पर कोई बात नहीं, जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकता मैं, पर अपनी गलती तो सुधार सकता हूं ना काका। इसीलिए मैं बोंदिता को इस हवेली में वापस लाऊंगा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.